हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए इस तरीके के स्लीव्स की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी, और देखिए मैं इसका जॉइंट करने का भी तरीका बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत लोगों को ऐसे स्लीव जॉइंट करने में प्रॉब्लम आता है, तो अगर आपको भी ऐसे स्लीव जॉइंट करने में प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लंबाई के अनुसार ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई 10.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि देखिए फिटिंग के अनुसार यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर लेना है। जितना आपकी फिटिंग है उतना ऐसे लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में ऐसे कट लगा लेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जैसे डिजाइन से बनाना है तो उसके लिए कट करेंगे। तो अगर बीच में आपको ज़्यादा गैप रखना हो यहाँ पे, तो लगभग 1/2 इंच ऐसे लेते हुए कटिंग कर लेंगे, और ज़्यादा अगर गैप ना हो तो नॉर्मल हम बीचों बीच कट कर देंगे। यानी कि जैसे मुझे यहाँ पर देखिए लगभग 1.25 से 1.5 इंच मुझे बीच में गैप रखना है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पर बीचों बीच ऐसे कट कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें डोरी तैयार करना है, तो डोरी के लिए यहाँ से कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो डोरी के लिए ऐसे तिरछे में कपड़ा कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार देखिए स्केल से निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे, तो ऐसे सीधा कपड़ा कटिंग होता है। तो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, और देखिए उसके बाद ऐसे निशान के ऊपर ही इस प्रकार कटिंग कर लूँगी, और इसी की मदद से हम डोरी तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको अभी अलग रख देती हूँ, और देखिए इसमें से हम सीधा फैब्रिक कटिंग करेंगे ऐसे। तो इसकी चौड़ाई लगभग मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच लिया है। अब देखिए इस सीधे वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से लगभग ऐसे 2-2 पॉइंट फोल्ड करेंगे, और फिर से ऐसे बीचों बीच इसको फोल्ड करते हुए देखिए इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब देखिए जो डोरी हमने तैयार किया है ऐसे 2 इंच लंबाई लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, यानी कि स्लीव्स को देखिए हमने बीचों बीच ऐसे कटिंग किया है, तो यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए पहले यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए सबसे नीचे पहले एक निशान लगा लेंगे, और उसके बाद ऐसे 1.5 या 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और सेम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीच में जितना गैप छोड़ना हो आपको उसका 1/2 लेते हुए यहाँ पे निशान लगाना है। यानी कि अगर 1.5 इंच गैप छोड़ना हो तो यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1/4 इंच गैप छोड़ना हो तो लगभग 1/2 इंच से हल्का सा एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में, और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो डोरी हमने तैयार किया है इसको इस प्रकार बीच से फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ पर ऐसे रखते हुए देखिए बिल्कुल निशान के ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए बिल्कुल निशान के ऊपर ही ऐसे फोल्ड करते हुए सभी डोरी को अटैच कर देंगे, और उसके बाद देखिए डोरी को इस प्रकार सीधा करेंगे, और मार्जिन को अंदर के साइड में ऐसे करते हुए देखिए इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए। और नीचे की तरफ भी जो एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने अंदर की तरफ करते हुए देख सकते हैं ये मैंने सिलाई कर लिया है। तो देख सकते हैं ये दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब देखिए डोरी तैयार कर लेंगे, तो इसको पहले इस प्रकार तिरछे में ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हैं सभी डोरी को इस प्रकार पहले ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद ये जो मार्जिन है देखिए मार्जिन को ऐसे दोनों साइड में करते हुए यहाँ पर नाखून लगा लेंगे,
अब देखिए इस पट्टी को इस प्रकार फोल्ड करेंगे, यानी कि सीधे साइड अंदर करते हुए इसे डबल करना है और यहाँ पे फोल्डेड साइड से लगभग एक पॉइंट छोड़ते हुए देखिए इसे पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये डोरी सीधा करने का सबसे सरल तरीका है। इस प्रकार सिलाई कर लें और उसके बाद सबसे अंत में यानी कि यहाँ पे उतारते समय थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ते हुए यानी कि हल्का चौड़ाई बढ़ाते हुए मशीन को नीचे उतारेंगे और उसके बाद यहीं से यानी कि जिस साइड में हमने सबसे लास्ट में सिलाई किया है हल्का सा चौड़ाई लेते हुए उसी साइड में देखिए यहाँ पे सुई से अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये ना खुले। और उसके बाद देखिए सुई को उल्टा करते हुए इसके अंदर ऐसे डालेंगे यानी कि देखिए इसे दूसरे साइड से सुई को बाहर निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ हल्का सा चौड़ाई लेते हुए हमने सिलाई किया है तो ये अच्छे से पलट जाता है यानी कि इस प्रकार सीधा हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता इसे खींचते हुए हम डोरी को सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये डोरी तैयार हो गया है। अब देखिए डोरी की लंबाई आपको कितना रखना है ये भी समझ लीजिए। डोरी को इस प्रकार आपको चार फोल्ड करना है ऐसे, और ये जो स्लीव्स की लंबाई है देखिए इसके ऐसे बराबर से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए यानी कि लगभग 2.5 से 3 इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब देखिए डोरी को हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे, तो हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर इसको आप सुई की मदद से भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सुई लिया है, डोरी की एक साइड से इस प्रकार हम सुई को बांध लेंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे सुई की मदद से ही इसके अंदर ऐसे लेकर चले जाएंगे। यानी कि देखिए जो लूप्स आपने तैयार किया है बिल्कुल इस प्रकार एक एक गैप छोड़ते हुए इसको यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इसे लगाने के बाद जितना आपको चौड़ाई चाहिए यानी कि बीच में जितना गैप चाहिए उतना छोड़ते हुए इस प्रकार अच्छे से फैला लेंगे यानी कि जितना भी आपको अच्छा लगे उतना पे इसे फैला लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे बांध देंगे डोरी। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे आपको डोरी लंबाई में ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे तो यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लटकन तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने चौकोर कपड़ा कटिंग किया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पे देखिए 2.5 इंच लिया है। इसको इस प्रकार ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं स्लीव्स बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जॉइंट करने का तरीका बता देती हूँ। तो जॉइंट करने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड में स्लीव्स का गहराव कटिंग नहीं किया है, तो पहले हम फ्रंट साइड में ऐसे गहराव की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद देखिए स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले यहाँ पर हम एक पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, तो पट्टी को ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे और बीच में जितना गैप छोड़ना है उतना पे ऐसे निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे कट कर देंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो ये मैंने देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाया है बीचों बीच। अब देखिए जो निशान है उसी के ऊपर इस प्रकार हम स्लीव्स को रखते हुए पहले इस पट्टी को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हैं एक पट्टी मैंने इसमें जॉइंट कर दिया है। अब देखिए इस पट्टी को इस प्रकार बीचों बीच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद देखिए जो आपने ब्लाउज तैयार किया है तो इस प्रकार पूरा ब्लाउज देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिया है, सिर्फ इसमें स्लीव्स जॉइंट करना है। तो स्लीव्स को यहाँ पर रखेंगे, देखिए गहरा वाला साइड को फ्रंट साइड में रखेंगे ऐसे,
और ये जो मैंने स्लीव्स में कट लगाया है, इस कट को और ये शोल्डर वाली सिलाई को दोनों को ऐसे मैच करते हुए रखेंगे। और सिलाई करने के लिए देखिए इसके ऊपर ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार पूरे में सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं एक साइड में सिलाई हो गया, इसी प्रकार ऐसे दूसरे साइड में भी सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे दोनों साइड में सिलाई करने के बाद अगर मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया हो पट्टी से तो उसको ऐसे कट कर देंगे ताकि वो बाहर से ना दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे स्लीव्स में पहले डबल सिलाई कर लेंगे। अब देखिए पट्टी को इस प्रकार सीधा करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से ऐसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इस पूरे पट्टी को देखिए ऐसे अंदर साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे तुरपाई लगा लेंगे, या फिर आप सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड कर देने के बाद ये मार्जिन इस साइड से दिखाई नहीं देता है और इस प्रकार ये पूरा स्लीव्स हमारा ज्वाइंट हो जाता है। देख सकते हैं पहनने के बाद ये बिल्कुल भी मार्जिन दिखाई नहीं देगा। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।